हेलो स्टूडेंट्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड, और मैंने उसमें कहा था हम अगले वीडियो में मैग्नेटिक डाइपोल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ये आज का टॉपिक वो है मैग्नेटिक डाइपोल। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या कई बार देख चुके हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद अगर बहुत अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था। वहाँ ये कहा था कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, अगर कुछ एक स्मॉल डिस्टेंस पर है तो वो कम्प्लीट सिस्टम क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। तो यहाँ वहाँ क्या था, चार्ज था, यहाँ मैग्नेटिक पोल होगा। सो व्हाट इज दी कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल? मैग्नेटिक डाइपोल इज कॉल्ड एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स। अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट, ये देखिए आपको मालूम है ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के इस एंड पर हम दो पॉइंट मार्क करते हैं। लेट दिस इज एंड पोल, लेट दिस इज सपोज साउथ पोल एंड दिस इज एंड पोल, और ये इसका सेंटर पॉइंट है। और अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या आता है, आपको याद हो तो मैग्नेटिक एक्सिस आता है। और ये जो लेंथ है, जिसको आपने कुछ वीडियो पहले पढ़ा था मैग्नेटिक लेंथ है, ये जो ओरिजिनल लेंथ है ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है, और ये जो पॉइंट्स हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने मैग्नेटिक लेंथ एल से डिफाइन किया है। अब आप देखिए, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल। अब आपको याद होती है ये पूरा लेंथ एल है, पर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह इस लेंथ को 2L से डिफाइन कर देंगे, और जो इसका मैग्नेटिक एक्सिस का सेंटर है उसको C से डिफाइन करेंगे। तो ये जो आपका पहला जो लेंथ है साउथ पोल टू सेंटर, दैट इज L, एंड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू सेंटर दैट इज अगेन L, एंड टोटल लेंथ इज 2L। तो दिस इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। वापस समझिए, मैग्नेटिक डाइपोल मीन्स टू ऑपोजिट नेचर के और मैग्नीट्यूड इक्वल के दो पोल्स को किसी स्मॉल डिस्टेंस या सेपरेशन में रखें, तो ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल कहलाता है। इसमें हमने कहा है कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये इसका सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो हमने एल से डिफाइन किया। अब ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है, आप थोड़ा सा याद कीजिए पूरा नाम। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी एग्जिस्ट। सिर्फ एक प्लस क्यू होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस क्यू होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन यहाँ पर पोल हमेशा पेयर्स में होने चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर एन पोल और एस पोल साथ चलेंगे। तो ऐसे साथ में रहने वाले जो मैग्नेट, साथ में रहने वाले जो कॉन्सेप्ट या सिस्टम है, नॉर्मली उसके एग्जाम्पल से बार मैग्नेट जो मैंने ये ड्रॉ किया है, एक करंट कैरिंग लूप्स ऑल्सो है जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आपका ऐसे करंट लूप है, ये भी आपका देखेंगे डाइपोल की तरह, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह वर्क करेंगे। सो टू बेसिक एंड सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग लूप्स। ओके, और इस बेस पर वी डिफाइंड ए अनदर डेफिनेशन, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने उसको P से डिफाइन किया था, और P इक्वल टू था फॉर्मूला Q इंटू 2A, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था। सिमिलरली हम यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करेंगे, एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड बाय स्मॉल m, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन? सिमिलर टू दिस वी कैन डिफाइन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इट इज defined as the product of, it is defined as the product of pole strength, product of pole strength and distance between
distance between two poles. ये बहुत simplest लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन है. इट इज डिफाइंड एज दी प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोल स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स. एंड दिस डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ. तो आप चाहें तो इसको डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स को मैग्नेटिक लेंथ से भी रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, सो मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू आइदर पोल स्ट्रेंथ. आपको याद हो तो दोनों में से पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू सेम है, तो दोनों में से किसी एक की वैल्यू को ले लेंगे. ये हो गया आपका आइदर पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ. ओके बेटा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड बाय एम वेक्टर एंड इट इज क्यू एम एंड इट इज इक्वल टू 2L. सो लेंथ इज वेक्टर. So length is vector. The final formula for magnetic dipole is equal to m vector is equal to qm. qm is the pole strength. ये जो आपका south pole है इसका pole strength हो गया आपका qm, और north pole है इसका pole strength भी हो गया qm. तो हमने यहाँ पर इसका definition लिख दिया. अब important ये vector quantity है. So it is a vector quantity. अब वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको मालूम है हमें डायरेक्शन शो करना पड़ता है. एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल, फ्रॉम एस पोल टू नॉर्थ पोल. तो आप ये देखेंगे इस डायरेक्शन में साउथ पोल से नॉर्थ पोल पे एम वेक्टर को हम डायरेक्शन से इंडिकेट करते हैं. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक नंबर में मल्टीपल चॉइस या वन नंबर वन मार्क्स क्वेश्चंस में आता है कि व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन ए मैग्नेट. तो आपको याद रखना है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होता है, यहाँ पर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल की तरफ होता है. एंड देन इट्स एसआई यूनिट्स. फाइनली वी व्हाट गेट इट्स एन एसआई यूनिट इज इक्वल टू एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर ए एम स्क्वायर और जूल पर टेस्ला एंड दिस इज द यूनिट्स. ओके, तो मैंने आपको कहा था मैग्नेटिक डाइपोल का कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा. और उस मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेटेड जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वैल्यू है, वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड इट इज प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ क्यू एम एंड मैग्नेटिक लेंथ.